स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमटेक हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है व्हाट्सएप के ऊपर। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के कुछ 11 ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि काफी कमाल का है और यूनिक है और आप एक ही एप्लीकेशन से 11 एप्लीकेशन के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर, 100 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आ चुके तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों इस ऐप का नाम है वोट स्पंज, और जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ परमिशन का ऑप्शन आएगा, तो आप सारी परमिशन दे दीजिए ताकि ये ऐप अच्छे से काम कर सके। तो आपके सामने जितनी भी परमिशन का ऑप्शन आता है आप उसको पूरी तरीके से अलाउ कर दीजिए, और जैसे ही आप सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ही हमारा ऊपर के साइड एक फीचर देखने को मिल जाएगा जहां पर आपको ताला दिख रहा है, उसका नाम है वॉक चेक। और दोस्तों इस ऐप की मदद से आप अपने सोना बाबू जानू के साथ बात कर रहे हैं और बीच में खड्डा आ गया तो आप गिर जाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही इस फीचर को आप एनेबल करेंगे आपका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा, और आप जैसे ही व्हाट्सएप को ओपन करेंगे आप व्हाट्सएप से ही सीधा आपके सामने की जो भी चीजें हैं वो आर पार देख पाएंगे, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि आपके सामने जो भी चीज है वो आप आसानी से देख पाएंगे व्हाट्सएप से ही सीधा। बेसिकली ये फीचर उन लोगों के लिए ही बनाया गया जो ज्यादातर चलते फिरते चैट करते रहते हैं और उनको पता नहीं होता कि उनके सामने कोई खड्डा या फिर कोई कार या फिर कोई चीज ऐसी आ गई जिनको वो नहीं देख पाते और टकरा जाते हैं। तो ये फीचर उन सभी लोगों के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों इन 11 फीचर्स में से मुझे सबसे ज्यादा ये फीचर काफी पसंद आया। आपको कौन सा फीचर ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। और दोस्तों इस फीचर की मदद से आप व्हाट्सएप को काफी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप जब भी मोबाइल को चेक करेंगे आपका व्हाट्सएप जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो काफी यूजफुल फीचर है ये दोस्तों, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हो, चाहे यूट्यूब हो या फिर प्ले स्टोर हो या फिर कोई भी आप चैट मैसेंजर ओपन करके बैठे हैं, तो उस टाइम ये आप जैसे ही मोबाइल को चेक करेंगे तुरंत ही आपका व्हाट्सएप चैट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप बहुत इजीली इस फीचर की मदद से व्हाट्सएप को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला फीचर है व्हाट्सएप पॉज। दोस्तों इस फीचर की मदद से आप व्हाट्सएप को कुछ देर के लिए पॉज कर सकते हैं, यानी कि आप अपना जो भी काम करने के लिए बैठे हैं और आप वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि बार बार नोटिफिकेशंस आती रहती है व्हाट्सएप की, तो आप इस फीचर्स को एनेबल कर दीजिए और उसके बाद आपको कोई भी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन शो नहीं होगी और आप बिना किसी परेशानी के अपना काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल फीचर है, कुछ देर के लिए आप व्हाट्सएप को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। दोस्तों इसका नाम है अनसेव नंबर, यानी कि आप किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर को सेव नहीं करना चाहते और डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर उन्हें मैसेज करना चाहते हैं, तो आप इस फीचर की मदद से उनको मैसेज कर सकते हैं। तो आप जैसे ही उसको ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन आएगा, आपको जो भी मैसेज टाइप करना है वो आप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप कंट्री कोड जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, इंडिया का है तो +91 यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड मैसेज पर क्लिक करना है। और आप जैसे करेंगे आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगा जो कि व्हाट्सएप पर है और आप डायरेक्टली वहां पर सेंड कर सकते हैं। तो ये फीचर उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो लोग कॉन्टेक्ट में सेव नहीं करना चाहते और डायरेक्टली उन्हें मैसेज करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। और दोस्तों इस फीचर का नाम है व्हाट्सएप बबल। जैसे कि दोस्तों हम सभी यूज करते हैं फेसबुक मैसेंजर, उसमें जैसे ही आपको कोई मैसेज करता है तो आपको यहाँ पर एक बबल के रूप में शो होता है कोई मैसेज आता है वो, तो ठीक उसी तरह का यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में भी इस एप्लीकेशन के थ्रू ये बबल का ऑप्शन मिल जाता है। क्योंकि हमें ऑफिशियली तो यहाँ पर बबल का ऑप्शन व्हाट्सएप नहीं देता, तो ये इस एप्लीकेशन की मदद से आप व्हाट्सएप बबल को भी यूज कर सकते हैं और यहीं से इसको रिप्लाई भी कर सकते हैं आप। तो ये भी काफी एक यूजफुल फीचर मुझको लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। दोस्तों इस फीचर का नाम है व्हाट्सएप क्लीनर। दोस्तों ये फीचर काफी यूजफुल है व्हाट्सएप के सभी यूजर के लिए, क्योंकि जितने भी मैसेज हमें यहाँ पर शो होते हैं वो उनके जो टेम्परेरी फाइल बन जाती है जो कि कचरा मचा हुआ है हमारे व्हाट्सएप में, उन सभी को ये क्लीन करता है और काफी अपनी जो स्टोरेज है मोबाइल की वो भी बढ़ जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये व्हाट्सएप क्लीनर, जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल को जो क्लीन रख सकते हैं। तो ये भी एक काफी यूजफुल फीचर लग रहा है मुझे। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। और दोस्तों ये फीचर है व्हाट्सएप स्टेटस सेवर। हाँ दोस्तों मुझे पता है आप सभी को ये व्हाट्सएप स्टेटस का जो फीचर है वो काफी पसंद आएगा, क्योंकि हम जब भी कोई किसी की स्टेटस देखते हैं उनको सभी को हम बोलते हैं कि भाई हमें ये स्टेटस पसंद आ गई है हमें उसे सेंड करना है, तो वो कोई करता है कोई आपको सेंड नहीं करता है। तो ये फीचर आपके लिए काफी यूजफुल है, बस आपको उनकी स्टेटस को एक बार पूरा देखना है और आप उन स्टेटस को देखेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको जो भी स्टेटस यहाँ पर पसंद है उनको आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। तो आप जैसे ही डाउनलोड
डाउनलोड कर लेंगे आपकी गैलरी में वो वीडियो सेव हो जाएगा और उसके बाद आप उसको यूज कर पाएंगे। तो ये काफी यूजफुल फीचर है व्हाट्सएप स्टेटस सेवर। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। दोस्तों इस फीचर का नाम है प्रैंक चैट। दोस्तों इस फीचर की मदद से आप किसी के भी साथ चैट कर सकते हैं, यानी कि आपका फेक चैट क्रिएट करना है और आप अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती के लिए इस फीचर का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों फेक चैट क्रिएट करने के लिए आपको ऊपर की साइड टच करना है और जैसे आप टच करेंगे यहाँ पर आपको न्यू चैट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप जिनके भी साथ चैट करना चाहते हो और आपको दिखाना है कि मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूँ तो आप उनका प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल फोटो, ऑनलाइन टाइपिंग और सब कुछ यहाँ पर फिल करने के बाद आपको डन कर देना है एंड देन यहाँ पर आपके सामने वो चैट आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। दोस्तों इस फीचर का नाम है फिट फोटो, यानी कि जब भी आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस या फिर प्रोफाइल फोटो में सेट करना चाहते हैं और आपका फोटो जो यहाँ पर फिट नहीं होता है आपको क्रॉप करना पड़ता है, तो इस फीचर की मदद से आप अपने फोटोज को बहुत ही अच्छा एडिट करके यहाँ पर आप सेट कर सकते हो और आपको यहाँ पर क्रॉप करने की भी जरूरत नहीं है उस फोटो को। और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फिल्टर्स के साथ यहाँ पर आपको काफी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड भी मिल जाते हैं और आप अपने फोटो को पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही आप पूरा एडिटिंग कम्प्लीट कर देते बाद में यहाँ पर आपको ऊपर की साइड जो है राइट पर क्लिक कर देना और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर फोटो शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको नीचे की साइड एक व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो सिंपली आप व्हाट्सएप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आप जैसे व्हाट्सएप स्टेटस या फिर आप प्रोफाइल फोटो पर सेट कर सकते हैं। तो काफी यूजफुल फीचर है, ये भी ट्राई करके देखना। और दोस्तों आज मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि 11 फीचर्स को जो कवर करना है तो बहुत ही टाइम लगता है उन फीचर्स को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, तो सॉरी इसके लिए। यार कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे पूछिए, डेफिनेटली उनका आंसर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस फीचर को बदल के यहाँ पर आपको फोटो ओवरले का ऑप्शन मिल जा रहा है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से रिकॉर्डिंग करना पड़ा है क्योंकि ये एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद यहाँ पर चेंजेस आ चुके हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुका था, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों इस फीचर की मदद से आप अपनी गैलरी में से कोई भी एक फोटो जो आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप के बैकग्राउंड फोटो में इसको ऐड कर देना है, यानी कि आप जब भी अपने व्हाट्सएप को यूज करेंगे तो आपको ओवरले में एक फोटो दिखाई देगी जो कि आपने सेट किया हुआ है और आप अपने हिसाब से यहाँ पर ओपेसिटी को जो है सेट कर सकते हैं ताकि आपको चैटिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये फीचर काफी यूजफुल है और काफी लोग आपको पूछेंगे भाई या आपने कैसे सेट किया व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में, तो काफी यूनिक फीचर है, तो आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर और इसका नाम है आस्की फेसेस। दोस्तों इस फीचर की मदद से आप इमोजी की तरह यहाँ पर फेसेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये फीचर इतना यूजफुल नहीं है मगर आप अपने दोस्तों के साथ चाहे तो इसे भी शेयर कर सकते हैं, ये भी काफी ठीक ठाक है मगर चलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप या फिर फेसबुक में। और हाँ, चैनल पर नए आ चुके तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।